जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया जीतेगा। आपको दिखा, आपको बताने की कोशिश करें, यहाँ पर जो फैंस है काफी उत्साहित है, उस कह रहे हैं इंडिया ही जीतेगा और इंडिया ही चैंपियन बनेगा। हमारे टीम बैटिंग कर रहा है, 350 रन की उम्मीद होने वाली है, 350 रन, और ऑस्ट्रेलिया को 150 रन पे ऑल आउट कर देंगे। इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया को 150-200 में सोचेंगे जल्दी से ऑल आउट कर देने का। बस पहले रन ऑफ कोर्स इंडिया, ऑफ कोर्स इंडिया 100%। ऑलवेज टाइगर, टाइगर बंगाल, टाइगर बंगाल, टाइगर। देखिए, हम लोगों को बहुत अच्छा मौका है 2003 का बदला लेने का। ये बदला का घड़ी है 2003 से 2023। 2003 में हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था दादा का कैप्टनशिप में बंगाल में। 2023 में हम लोग रोहित शर्मा का कैप्टनशिप में और विराट कोहली और शमी का परफॉर्मेंस से जीतेंगे इंशाल्लाह। 100% तोड़ेंगे। हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया का शमी रहेगा वर्ल्ड कप का। इस बार कुछ नया रिकॉर्ड बनेगा शमी का तरफ से, इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा सभी के तरफ। और विराट कोहली अय्यर भाई का बैटिंग और कोहली भाई का बैटिंग देखने का है, और मियां भाई का मैजिक भी देखने का। आज मियां मैजिक शो आज चालू होगा और शमी भाई का मैजिक चालू होगा। इंडिया विन, कोहली 50 मारेगा। क्या बोले, सबसे बड़ी बात खुशी की बात है कि ऐसा तो इंडिया दो बार वर्ल्ड चैंपियन हुआ भी है, अल्लाह का करम है, और आज भी इंशाल्लाह इंडिया चैंपियन होगा, और इतने लोगों की दुआएं उसके साथ में। सबसे बड़ी है कि हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मजाहब के लोग हैं, और सभी की दुआएँ हैं इनके साथ में, इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा। कि शारिक भाई ये एक इनिशिएटिव लिए हैं और क्रिकेट को वापस से यहाँ पर ज़िंदा किए, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कितने सारे क्राउड है, बुजुर्ग छोटे बड़े दोस्त सबको है यहाँ पे, और सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सब आए हैं। और स्पेशली थैंक्स टू शारिक भाई, क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऐसे हम लोग बचपन से यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने बड़े हो गए, मगर आज तक कभी ऐसा माहौल हम लोग को फील नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि हम लोग पूरे ग्राउंड पे ही है और अहमदाबाद में मैच के बैठ के मैच देख रहे हैं। सो थैंक्स टू शारिक भाई, थैंक यू सो मच शारिक भाई। इंशाल्लाह 100% जीतेगा। आज जो होगा आखिरी जश्न होगा हम लोग का, ढोल पोल सब निकलेगा, बम पटाखा भी लेके आए हैं भाई, हम लोग रात भर जश्न होगा। तैयारी करके आए हैं, तैयारी करें, इंशाल्लाह करेंगे जी। इंशाल्लाह हम लोग पूरा मैच देखेंगे, जब तक मैच खत्म नहीं होगा यहाँ से जाने वाले नहीं है, यहीं पे रहने वाले हैं। फुल लगाना चाहते हैं लेकिन इस पिच पे उस लेंथ से एकदम 100% इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा फॉर्म में है। और जैसे एज अ क्रिकेटर मैं आपको बता सकता हूँ उसका जो एक आप जिसको बता सकते हो उसका एक्यूरेसी इतना अच्छा है, और वो ऐसे लेवल पे है, वो अलग लेवल पे है, वो अच्छा करेगा, वो पूरा कर ही नहीं सकता। पहले बार हुआ 2011 ये मिस कर रहे थे, बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सारा लोग एक साथ आए, बहुत अच्छा लग रहा है जी। जी सबको यहाँ आप देख सकते हैं, सबको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत पहले से सुबह से तैयारी चल रहा है, कल रात से भी हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स बनेगा, इंशाल्लाह जीतेंगे हम लोग। अरे क्यों नहीं बनेगा, जशन तो बनेगा, तभी तो माहौल बना है इतना। इंडिया जीतेगा, इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। तो अलग नहीं लगा, काफी टफ मुकाबला चल रहा है उनके लिए। अब टफ खेला में क्या टफ, कोई कोई जीतेगा कोई हारेगा, मगर हम लोग हौसला अफजाई है, मतलब इंडिया जीतेगा ही जीतेगा इंशाल्लाह। अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 64 में, और आपको बता दे 32 फीट बाय 16 फीट का एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है कसिया बगान मैदान में, और यहाँ पर सब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच का मज़ा ले रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे बड़े बूढ़े सब यहाँ पर मौजूद है, और सब काफ़ी जोश में, और सब कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान जीतेगा, हमारा इंडिया जीतेगा, हमारा भारत जीतेगा। और यहाँ पर आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या कहना है। मैं तो पूरा उम्मीद लेकर के आया हूँ कि आज इंडिया तीसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठाएगा जी है जी। और मैं यहाँ पर शारिक भाई को भी मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने पूरे इलाके के लिए यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त किया है, और ऐसे हर जगह इंडिया में ऐसे हो रहा है, तो मेरे ख्याल से एक माहौल बना है हम लोग का कि हम लोग आ कर करके इस उत्सव में, अगर वाकई देखा जाए तो एक उत्सव है ये, क्रिकेट का उत्सव है, इस उत्सव में हम लोग हिस्सा लें।
वही तो मैंने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक उत्सव का माहौल है, बच्चे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ पर इमरान भाई हैं, हमारे राजा भाई हैं, सब लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं शारिक भाई का क्या बोलिए, थैंक यू, शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इसका पूरा यहाँ पर ये वार्ड में, इस वार्ड के लोगों के लिए ये बंदोबस्त किया। देखिए ये तो कहना मुश्किल है क्रिकेट में, लेकिन लेकिन टारगेट 300 तो होना चाहिए। देखिए जो भी टीम फाइनल तक पहुंचे वो लोग तो जी जान लगाएंगे, लेकिन उनके जी जान से हम लोग का जी जान ज्यादा होगा इंशाल्लाह। देखिए खुशी तो सबसे हमारा दिल में होगी, लेकिन मैं सबको मुबारकबाद दूंगा और एक कॉमन मेमोरी में ये रहेगा कि भाई क्या पहली बार जब 83 में जीती थी अभी तक मुझे याद है क्या है, और 2011 में जीती थी तो भी याद है हम लोग क्या कर रहे थे, तो ये जीत भी है हम लोग को हमेशा यादगार रहेगी। आप ही कहिए, शेर मजबूत होता है ना कंगारू। बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी इसके चलते का आज जो है 64 नंबर वार्ड में कसिया बगान ग्राउंड में, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं, जैसे आप लोग एक तरफ सब टर्न करिए कैमरा अपना, जैसे वाइस स्क्रीन हुआ है ठीक है ना। इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ कि आज जो है भारत का टीम हमारा जीते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ, लोग जो है आके जो है सपोर्ट करें। आप हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम सबका, प्रशासन का हो गया, हर किसी का हो गया, ये खूब सपोर्ट मिला है मुझे ठीक है। तो मैं आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पुलिस फोर्स का भी और यहाँ पर आए हुए हैं जो लोग भी हैं सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, इंडिया का चांस है पूरा वर्ल्ड कप में जीतने का, और शारिक भाई ने ये इंतज़ाम किया है, इसीलिए फैसिलिटी लेके हम लोग सब आ गए हैं एक साथ, दोस्त लोग और बंधु लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, और मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया है शुरू से ही कि दिख रहा है जो काफ़ी जोश से दोनों टीम्स खेल रही हैं। और जैसे कि इंडिया का रिकॉर्ड रहा है, अभी तक इंडिया हारी नहीं है, तो ऊपर वाला चाहेगा, हम लोग चाहेंगे कि इंडिया ही जीते, अपना मुल्क का कंट्री का टीम है और अच्छा भी खेल रहा है इन दिनों में, तो यही उम्मीद है कि वो जीतेंगे। बल्ले का जादू चलेगा या बॉलिंग का जादू चलेगा समी का? जी आज जो है जीत की खुशी जो है वो अभी से एयर में है, लोग जो है अभी से खुशियां मना रहे हैं, और जिस तरह से अपबीट है, जिस तरह से मनोबल बना हुआ है लोगों का, और तमाम हिंदुस्तानी 140 करोड़ हिंदुस्तानी जो है, हम लोग पूरा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये खुशी जो है इसको हम लोग दिल खोल कर भरपूर इन्जॉय करें, और आज फाइनल में इसका हम लोग असली मज़ा जो है वो देखेंगे, क्योंकि ये खेल बहुत अच्छा होने वाला है, और इनकी जो बैटिंग की शुरुआत है बहुत ज़बरदस्त है, और मुझे उम्मीद है कि इंडिया का जादू बॉलिंग में भी, और ख़ासकर समी भी जो लास्ट टाइम जो परफॉर्म किया है वो करेगा, और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा शारिक और तमाम उसके वार्ड की टीम को, कि हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम वर्ल्ड कप फाइनल स्टेडियम में बैठ के देख रहे हैं, और जिस तरह की सपोर्ट मिल रही है, जिस तरह ये हो जी, मैंने तो ऐसा मंजर अभी तक देखा नहीं, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितने क्रिकेट के प्रेमी हैं वो लोग भी हैं, और जो क्रिकेट से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं आज वो सब, तमाम हिंदुस्तान एक साथ जुड़ा हुआ है ये देखने में। जरूर कामयाबी हासिल करेंगे, कामयाब होंगे, इसलिए आज यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा, कलकत्ता शहर पार्क सर्कस कसिया बगान 64 नंबर वार्ड के जो यहाँ के जो ऑर्गेनाइज जो किए हैं, ये जो मैच का जो ये शारिक अहमद, ये बहुत ही मेरे ख्याल से ऐसा स्क्रीन 15x30 बड़ा स्क्रीन और इतने सारे लोग, ये मेरे नज़र में एक इतिहास है, बहुत ही अच्छा कदम है। और देखिए ये चार अभी हुआ, अभी जस्ट अभी चार, तो हम उम्मीद करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग आज कामयाबी हासिल करेंगे और जीत कर ये तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारा इंडिया।